तो हाजिर प्राइम न्यूज एट 7 PM लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। धनबाद में नन्ने खान की हत्या में शामिल शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। वही हत्या में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि नन्ने हत्याकांड में पुलिस ने अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धनबाद पुलिस ने इस घटना के मास्टरमाइंड प्रिंस खान को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। तो अब तक इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया और जो दोनों शूटर हैं वो भी अब पुलिस की शिकंजे में आ चुके हैं और कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो मुख्य आरोपी है बस वो पुलिस की पकड़ से दूर है। तो पुलिस ने दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। 7 आरोपी कुल गिरफ्तार हुए हैं। वासीपुर क्षेत्र में एक हत्या की घटना का कुछ अपराधकर्मियों को कुल 3 अपराधकर्मियों को हम लोगों ने जेल भेजा था, जिसमें हम लोगों ने कुछ बम और हथियार बरामद किए गए थे और जो शुरुआती साक्ष्य थे उसी क्रम में कुल 3 अपराधकर्मियों की शुरुआत हम लोगों ने गिरफ्तारी की थी। और बाद में जब घटना के अन्य साक्ष्यों को जोड़ा गया तो जो घटनाकारित वाला जो करने वाला था, जिसने प्रत्यक्ष रूप से गोली चलाई थी, उनको उसमें से 2 अपराधकर्मियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और कुल 7 अपराधकर्मी आज गिरफ्तार हुए हैं। तो सारा चीज का भंडाफोड़ हुआ है, सभी के साक्ष्य हम लोगों ने जुटाए हैं। जो कारित करने का हथियार था वो कारित करने का हथियार हम लोगों ने बरामद कर लिया गया है। गोलियां बरामद की हैं, गोलियां भी उसी कैलिबर की है जिस कैलिबर जो धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बरवा में ट्रक चालक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी पुलिस ने बरामद किया है। 23 नवंबर को ट्रक चालक की हत्या हुई थी और इसी मामले में पुलिस ने ये गिरफ्तारियां की हैं। मोहम्मद बशीर अंसारी, मोहम्मद ताहिर अंसारी, अरमान अंसारी और अब्दुल रशीद, 4 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा हम लोगों ने जो था वो पिस्टल भी हम लोगों ने रिकवर किया है, 2 जिंदा कारतूस, 1 मृतक का जो कीपैड मोबाइल था वो भी बरामद हुआ, जो मृतक का मोबाइल ये लोग ले गए थे, और उसकी जो चालक अनुज्ञप्ति थी जो जिसको वो लोग अपने साथ ले गए थे वो भी बरामद हुआ है, 1 पैन कार्ड मृतक का, और घटना में प्रयोग जो मोटरसाइकिल है एक और एक बुलेट मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल लोगों 2 मोटरसाइकिल में अपराधकर्मी आए थे, दोनों बरामद कर लिए गए हैं और अभियुक्त के जो 3 मोबाइल फोन हैं वो तीनों हम लोगों ने बरामद किए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।